आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं, जिन स्टूडेंट्स के पास भाषुकी संस्कृत है उन स्टूडेंट्स के लिए सप्तमः पाठ नैके नाम पी समम गता वसुमती, यानी कि एक के साथ भी पृथ्वी नहीं गई। और ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। सो पिछले वीडियो में हमने दक्षिणा पथ तक ट्रांसलेशन किया था और इस वीडियो में यहाँ से ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भूज विषयिणीम इमाम भविष्यवाणीम निशम्य मुंजो विच्छाय वदनोय अभगुत। भोज विषयिणीम यानी कि भोज के विषय में, इमाम यानी कि यह, भविष्यवाणीम यानी कि भविष्यवाणी, निशम्य यानी कि सुनकर, मुंजो यानी कि मुंजह जो मुंज था, विच्छाय वदनों अभव। विच्छाय यानी कि मुरझाया हुआ या फिर कांतिमुख मुख वाला, और वदन यानी कि मुख होता है, और अभूत का अर्थ होता है हो गया। सो भोज के विषय में यह भविष्यवाणी सुनकर मुंज मुरझाए हुए चेहरे वाला हो गया। ततो राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निशीथे शयनमासाद्य व्यचिन्तयत्। ततो यानी कि तब राजा ब्राह्मण को भेजकर, संप्रेष यानी कि भेजकर, ब्राह्मणम यानी कि ब्राह्मण को, संप्रेष भेजकर यानी कि तब राजा ने ब्राह्मण को भेजकर निशीथे, निशीथे का निशी का अर्थ रात होता है, तो निशीथे यानी कि रात में, शयनम आसाद्य, शयनम प्लस आसाद्य, शयनम का अर्थ होता है नींद में, शयनम का अर्थ होता है बिस्तर, और आसाद्य यानी कि आकर या प्राप्त करके, व्यचिंतयत यानी कि सोचने लगा। यानी कि तब राजा ब्राह्मण को भेजकर रात में बिस्तर पर पहुंचकर सोचने लगा, यदि राज लक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, यानी कि अगर राज लक्ष्मी भोज कुमार के पास चली जाएगी, तदाहम तत् प्लस अहम, यानी कि तब मैं जीवन नपि मृतः, जीवन प्लस अपि यानी कि जीवन होते हुए भी मृतः यानी कि मरा हुआ हो जाऊंगा। ततश्च ततः प्लस च और तब, अभुक्तः भुक्तः यानी कि खाना, और अभुक्तः यानी कि बिना खाए हुए, और एव यानी कि ही, और तब बिना खाए ही, सह यानी कि वह, एकाकी यानी कि अकेले ही, किमपि यानी कि कुछ भी, चिंतयित्वा यानी कि सोचकर, बंग देशाधीश्वरम यानी कि बंग देश के शासक, वत्सराज या वत्सराज को समाकारितवान यानी कि बुलवाया, यानी कि और तब बिना कुछ खाए ही वह अकेले कुछ भी सोचकर बंग देश के शासक को, जो कि वत्सराज हैं, उनको बुलवाया। वत्सराजश्च धारा नगरीम संप्राप्य राजानम प्रणिपत्योपविष्टः। वत्सराजः प्लस च और वत्सराज धारा नगरी संप्राप्य यानी कि पहुंचकर, धारा नगरी पहुंचकर राजानम यानी कि राजा को प्रणिपत, प्रणिपत यानी कि प्रणाम करके, और उपविष्टः यानी कि बैठ गया, यानी कि और वत्सराज धारा नगरी पहुंचकर राजा को प्रणाम करके बैठ गया। राजा च सौधनम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्राह। और राजा सौधम यानी कि महल को या प्रसाद को, निर्जनम विधाय, निर्जनम का अर्थ होता है लोगों से रहित, और विधाय यानी कि करके, यानी कि और राजा ने महल को निर्जन करके वत्सराज को बोला, प्राह यानी कि कहा, त्वया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हन्तव्यः। त्वया का अर्थ होता है तुम्हारे द्वारा, भोजो यानी कि भोज को, भुवनेश्वरी विपिन, भुवनेश्वरी विपिन यानी कि वन में, भुवनेश्वरी वन में रात्रौ यानी कि रात में, हन्तव्यः यानी कि मारा जाना चाहिए, छिन्नम च तस्य शिरः और उसका सिर, छिन्नम यानी कि काटा हुआ, और उसका काटा हुआ सिर मत पार्श्वे यानी कि मेरे पास, अंतःपुरम यानी कि अंतपुर, आनीतव्यम यानी कि लाया जाना चाहिए। एतन् निशम्य वत्सराजः उत्थाय नृपं नत्वा प्रावुचत्। एतन् यानी कि एतत् प्लस निशम्य यानी कि यह सुनकर वत्सराज
उत्थाय यानी कि उठकर, नृपम यानी कि राजा को, नत्वा यानी कि नतमस्तक होकर या फिर प्रणाम करके, प्रावोचत प्रावोचत यानी कि बोला, यद्यपि देवादेशः प्रणामम् प्रमाणम पुनरपि किंचित् वक्तुम् वक्तु कामयस्मि सापराधमपि मे वचः क्षन्तव्यम्। यद्यपि यानी कि हालांकि, देवादेशः यानी कि महाराज का आदेश, प्रमाणम यानी कि शिरोधारी है यानी कि सर्वोपरि है, पुनरपि यानी कि फिर भी, किंचित यानी कि कुछ, वक्तु कामो यस्मि वक्तु काम यानी कि कहने के इच्छुक, और अस्मि यानी कि हूँ यानी कि फिर भी कुछ कहने के इच्छुक हूँ, सापराधम अपि मे वचः क्षन्तव्यम्। सापराधमपि यानी कि अपराध युक्त होते हुए भी, सापराधम यानी कि अपराध युक्त, और अपि यानी कि भी, अपराध युक्त होने पर भी, मे वचः यानी कि मेरे वचन को, क्षन्तव्यम् यानी कि क्षमा कर दें। देव पुत्रवधो न कदापि हिताय भवति ते, हे महाराज पुत्र का वध कदापि यानी कि कभी भी, न यानी कि नहीं, हिताय भवति ते यानी कि भलाई के लिए नहीं होता है, यानी कि हे महाराज पुत्र का वध कभी भी भलाई के लिए नहीं होता है। आगे देखते हैं इस श्लोक को, सॉरी इस पैराग्राफ को। वत्सराजस्य इदम् वचनम् आकर्ण्य कुपितो राजा प्राह, वत्सराज के यह वचन आकर्ण यानी कि सुनकर कुपितो यानी कि भयभीत राजा ने बोला, त्वम मम सेवकयसि यानी कि तुम मम यानी कि मेरे सेवक प्लस असि यानी कि असि का अर्थ होता है हो, तुम मेरे सेवक हो, मया यत कथ्यते त्वया तद विधेयम्। मया यानी कि मेरे द्वारा, यत यानी कि जो, कथ्यते यानी कि कहा जा रहा है, त्वया यानी कि तुम्हारे द्वारा, तद यानी कि वह, विधेयम यानी कि किया जाना चाहिए यानी कि तुम मेरे सेवक हो, मैं जैसा कहता हूँ या मेरे द्वारा जो भी कहा जा रहा है उसे तुम्हें किया जाना चाहिए। पुनः वत्स राजः राजाज्ञा पालयेयै वेति मत्वा तूष्णिम् बभूव। फिर पुनः यानी कि फिर वत्सराज राजा की आज्ञा, राजाज्ञा यानी कि राजा प्लस आज्ञा यानी कि राजा की आज्ञा, राजा की आज्ञा पालनीयः प्लस एव प्लस एति यानी कि राजा की आज्ञा पालन करने योग्य ही होती है। इति यानी कि ऐसा, मत्वा यानी कि मानकर, तुष्णिम बभूव यानी तुष्णिम यानी कि चुप, और बभूव यानी कि हो गया यानी कि ऐसा मानकर चुप हो गया। अनंतरम अनिच्छन्नपि वत्सराजः भोजम रथे निवेश्य रात्रौ वनम नीतवान्। अनंतरम यानी कि इसके बाद, अनिच्छन्नपि अनिच्छ प्लस न प्लस अपि, अनिच्छा यानी कि न चाहते हुए, और भी यानी कि अपि यानी कि भी यानी कि न चाहते हुए भी वत्सराज ने भोजम यानी कि भोज को रथे यानी कि रथ में, निवेश यानी कि बिठाकर, रात्रो यानी कि रात में, और वनम यानी कि वन में, नीतवान यानी कि ले गया यानी कि इसके बाद न चाहते हुए भी वत्सराज भोज को रथ में बिठाकर रात में वन में ले गया। तत्र आत्मनो वध योजनाम ज्ञात्वा भोजः किमपि वत्सराजं कथितवान्। तत्र यानी कि वहाँ, आत्मनः यानी कि अपने, वध योजना यानी कि हत्या की योजना को ज्ञात्वा यानी कि जानकर, भोजः यानी कि भोज भोजने, किमपि यानी कि कुछ भी, वत्सराजम यानी कि वत्सराज से, कथितवान यानी कि कहा यानी कि वहाँ स्वयं की हत्या की योजना को जानकर भोज ने वत्सराज से कुछ कहा। तत् वचनैः वैराग्य मापन्नो वत्सराजः तम न हतवान। तत् वचनैः यानी कि उनके वचनों से, वैराग्य वैराग्यम प्लस अपन्नो यानी कि वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने तम न हतवान। तम मैंने उसको न यानी कि नहीं, हतवान यानी कि नहीं मारा यानी कि उनके वचनों से वैराग्य को प्राप्त हुए वत्सराज ने उनको यानी कि भोज को नहीं मारा, अपितु गृहम आगत्य भोजम गृहाभ्यंतरे भूमौ निक्षिप्य रक्ष।
बल्कि गृहम आगत यानी कि घर आकर भोज को गृहाभ्यंतरे, गृह प्लस अभ्यंतरे यानी कि घर के अंदर, भूमौ यानी कि जमीन में, और निक्षिप यानी कि रखकर, जमीन में का अर्थ होता है तहखाने में, तहखाने में रखकर उसकी रक्षा यानी कि रक्षा की, किसकी, भोज की, यानी कि अपितु घर आकर भोज की, भोज को घर के अंदर तहखाने में रखकर उसकी रक्षा की। पुनः कृत्रिम रूपेण भोजस्य मस्तकं कारयित्वा राजभवनं गत्वा वत्स राजौ राजान् प्राह। पुनः यानी कि फिर कृत्रिम रूपेण यानी कि कृत्रिम रूप से यानी कि बनावटी भोजस्य यानी कि भोज का मस्तक यानी कि सिर, भोज का सिर कारयित्वा यानी कि बनाकर राजभवन गत्वा यानी कि जाकर, राजभवन जाकर वत्सराज ने, वत्सराज है यानी कि वत्सराज ने, इसमें प्रथम विभक्ति है, वत्सराज ने राजनम यानी कि राजा को या राजा से प्राह यानी कि कहा। श्रीमता यदादिष्टम तत्साधितमिति, श्रीमता यानी कि श्रीमान के द्वारा यदादिष्टम, यत प्लस आदिष्टम, यत यानी कि जो आदेश दिया गया था श्रीमान के द्वारा, यत यानी कि जो या जैसा, आदिष्टम यानी कि जैसा आदेश दिया गया था, तत् साधितम इति, तत् मने उसे, और साधितम यानी कि पूरा कर दिया गया है, इति का अर्थ होता है जो भी कार्य समाप्त होता है उसके आगे इति लगाते हैं, इसलिए उसे पूरा कर दिया गया है। ततो राजा भोज वधम ज्ञात्वा तम पृष्टवान, ततो है यानी कि उसके बाद राजा भोज वध यानी कि भोज की हत्या या हत्या की बात को जानकर, ज्ञात्वा यानी कि जानकर तम पृष्टवान, तम यानी कि उसे, उससे पृष्टवान यानी कि पूछा, तम यानी कि किससे, वत्सराज से पूछा। वत्सराज खड्ग प्रहार समय तेन किमुक्तम, हे वत्सराज तलवार की प्रहार करते समय, जब तलवार से जब उनका सिर काटा था उस समय, तेन किम उक्तम, उसके द्वारा, तेन यानी कि उसके द्वारा, किम उक्तम, किम यानी कि क्या, और उक्तम यानी कि कहा गया। एक बार फिर देखते हैं, उसके बाद राजा भोज की हत्या की बात जानकर उससे पूछने लगा। वत्सराज तलवार की चोट या प्रहार के समय उसके द्वारा, तेन यानी कि उसके द्वारा क्या कहा गया। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यहाँ तक, आगे के वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।